इस तरीके से इसको पकड़ना है, ये गैप और ये गैप, ये फिट हो गया आपका। ये गैस कैन फिट होने के बाद में यहां पे आप देखेंगे यहां पे माइनस और प्लस है, तो इस प्लस को आपको ओपन करना है। यहां पे गैस फ्लो होने का साउंड आ रहा है, इस साउंड आने के बाद में आपको ये बटन प्रेस करना है जिससे स्टार्ट हो जाएगा। 2 मिनट तक आपको रुकना है, ये जो बर्नर है और कॉइल है इसको रेड होने देना है। ये रेड होते वक्त यहां पे देखिए नीचे लिखा है फॉगिंग एंड कूलिंग, तो इसको वर्टिकल रखना है इस तरीके से, यानी ये फॉगिंग पे है अभी। यहां पे देखिए बर्नर रेड हो रहा है लेकिन कॉइल अभी तक रेड नहीं हुई है, तो 2 मिनट आप वेट कीजिए, कॉइल को रेड होने दीजिए। ये देख रहे हो आप नीचे वाली सेकेंड वाली कॉइल, इस तरीके से अगर रेड हो गई तो इसको आपको पंपिंग करना होता है। ये पंपिंग करता है, इसे पंपिंग करने के बाद में ये आपका धुआं निकल जाता है, और इसी तरीके से आपको स्टेयरकेस पे, ग्राउंड में, सब जगह पे पंपिंग करना होता है। ठीक है, इसका बंद करने का प्रोसीजर एक है। जब इसको बंद करना है, इसको गैस को बंद कीजिए, गैस कैन को निकाल दीजिए, इसको थोड़े से पंपिंग कीजिए, क्योंकि जो लाइन में जो डीजल है उसको बाहर निकालना है। ये निकल गया। अब देखिए यहां पे वाटरिंग करके लिखा हुआ है, इसको हॉरिजॉन्टल पे आपको रखना है इस तरीके से। ये वाटरिंग रखने के बाद में आपको जब तक वहां से पानी नहीं आता तब तक आपको पंपिंग करना होगा। इस तरीके से पानी आना चाहिए उसमें, और ये पूरी बोतल खाली होने तक आपको पंपिंग करना है, क्योंकि जो ये कॉइल रहती है ये कॉइल पूरी तरीके से क्लीन होनी चाहिए।